अल्हम्दुलिल्लाह ईद का नमाज फाइनली हो गया, कम से कम दिमाग खराब हो गया इससे फोटो क्लिक करा करा के, साला कुछ भी नहीं आता है, मेरा सर कर रहा है। और बाय हाजी बात किस से देखो ईद मुबारक सबको मेरा तरफ से। और इस वीडियो में आशा करता हूँ इधर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पूरा एकदम तैयार वगैरह हो गया नमाज़ पढ़ने के लिए जाने का। पहली जमात छोड़ गया, फिर दूसरी एक जमात है उसमें जाऊँगा नमाज नमाज पढ़ने। तो भी नमाज नमाज पढ़ के आप लोग से मिलते हैं। तो हेलो नमस्ते मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर शायर अब्दुल, वेलकम टू योर चैनल बैक इन द न्यू वीडियो। तो देखो क्या होते हैं नमाज पढ़ के। बरसात तो बहुत अच्छा ही हो रहा है और ये बरसात में कहीं नहीं जाऊंगा, फोटो वोटो क्लिक कर दो तीन कर पाया तो करूंगा, तब लोग को इंस्टाग्राम पे देखने मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना वहाँ से। घूम पाया तो आप लोग को भी लेके जाऊंगा, आप लोग भी ब्लॉग में बना रहना, सब देखने मिलेगा आप लोग को। अस्सलाम वालेकुम, आपने तो हमें दावत दिया ही नहीं पर हम आपको दावत देते हैं, आ जाना, हम बकरा वकरा काट के रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का नमाज़ फाइनली हो गया, कम से कम 15-20 लोग के साथ मुलाकात किया, माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। हाजी अगर हमने से कोई गलती उलती हुई है सब माफ़ कर देना। सबसे पहले नाश्ता वास्ता कर लेते, उसके बाद कहीं जा पाएगा तो गया, फ़ोटो शूट करूँगा, सोचा कोई मिला ही नहीं फ़ोटो शूट कराने वाला, इसलिए अकेला निकल गया, अभी नाश्ता वास्ता करते हैं जाके। नाश्ता भी हो गया अभी फ़िलहाल, तो मस्त खाया और अभी दिखता है एक दो फ़ोटो शूट करके देखते हैं। एक फ़ोटो क्लिक खींचने दिया, सॉरी यार गाली निकल गई, ये कट कर दूँगा जो भी है, एंड इसी को फ़ोटो खींचने दिया, कोई अच्छा फ़ोटो ही ढंग का खींच ही नहीं पाया, तो फिर अभी जा रहा है CST के पास, एक दो फ़ोटो वोटो खींचेंगे मस्त, फिर आप लोग को दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे, जाके इंस्टाग्राम पे देखो जी। दो तीन फ़ोटो क्लिक किया इसका, अच्छा से मैं क्लिक करके दिया, पर मेरा ये अंडा जीरो, क्योंकि जिसको आता नहीं है तो उसको ऐसा ही है ना, अपने को थोड़ा सीखा है कैसे लेने का क्या करने का नॉलेज है, पर इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, इसके लिए ऐसा है। दिमाग खराब हो गया इससे फोटो क्लिक करा करा के, साला कुछ भी नहीं आता है, मेरा सर कर रहा है। और बाय डबल टेकर बस देखो, तो दोनों तरफ है अभी बस, दो बस है मतलब ऊपर एक नीचे, तो अभी थोड़ा सिनेमेटिक शॉट लेते हैं। ऐसा सिनेमेटिक शॉट ले लिया क्योंकि पीछे से गाड़ी भी आ रहा है, डर भी लगता है कोई आके ठोक ना दे। तो अभी एक सेट विक्टोरिया स्टेशन मतलब ब्रिटिश का जो बिल्डिंग बनाया था उसके पास हमारा नज़दीक है, इधर हमने आज तक फोटो शूट नहीं किया, लास्ट संडे को मैंने रात को किया था, तो अभी मैं इधर फोटो शूट करूँगा भाई, इधर पानी है इधर से नहीं जाना, तो फोटो शूट करूँगा सोच रहा था, पर बारिश है भाई क्या करूँ भीग रहा हूँ, तो फोटो शूट करते जाके उधर। इस मतलब एक कहानी बताता हूँ, ये बहुत जितना भी ब्लॉगर है सबके साथ होता है मुझे लगता है, क्योंकि इससे पहले वाला क्लिप में क्या किया मैंने, वीडियो स्टार्ट किया सोचा पर स्टार्ट हुआ ही नहीं, मैं बक बक करते ही गया। हाँ जी फोटो वोटो थोड़ा सा क्लिक किया पर मेरा फोटो अभी तक एक भी नहीं क्लिक किया, इसका किया वो दो ये सब का किया पर मेरा नहीं किया, अभी मैं सोच रहा हूँ एक मैं भी क्लिक कर लेता हूँ अच्छा से आया तो, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आ रहा ये लोग का फोटो क्लिक करके देना, बिल्कुल पसंद नहीं हो रहा है, क्या कर रहे समझ नहीं आता है, इसलिए मैं सोचा एक अच्छा से क्लिक करके कोई दे पाया तो मस्त लगेगा। हाँ जी बात कुछ जैसे देखो, मेरा जो फोटो क्लिक करते हैं ना अच्छा नहीं होता है, पता नहीं क्यों, किसी को आता ही नहीं तो क्या अच्छा होगा, घंटा वो भी यहाँ से चलते है भाई, इतना दिमाग की माँ बहन हो गया, रंग का फोटो नहीं ले पा रहा हूँ इसलिए दिमाग की माँ बहन हो गया, और बाल भी काट लिया साला ऐसा अजीब सा, माँ का आँख हो गया बाल का भी ऐसे हालत करके काट दिया, कोई भी फोटो शूट करने जाता हो एकदम बच्चा जैसे लग रहा है, एकदम बुद्धू होता है ना बुद्धू टाइप का ऐसा लग रहा है, तो इसलिए ज़्यादा फ़ोटो वोटो क्लिक नहीं किया और मोड भी पूरा ऑफ है, तो अभी चलते हैं, सिग्नल भी खुल गए हैं, जल्दी चलते हैं नहीं तो कोई आके ठोक देगा आप ही छोड़ा भाई, कुछ भी सुनता है ये, क्या क्या तेरे को कहा क्या सुना सलमान खान,
ग्यारह कोटी पांच लाख एक बकरी के कीमत। अबे कौन बोला उसकी माँ का आग? फेसबुक में देखा मैं। अबे कुछ भी ग्यारह कोटी का कोई ये आते है भैंस आती है बकरी आता है चूतिया है सब फेक है और कुछ नहीं। हाँ भाई एक भी फोटो अच्छे से नहीं आ रहा है तो क्या करूँ, ऐसा ही हो गया। नींद भी आ रहा है, जाके सोएगा थोड़ा। और कल भी थोड़ा सा क्लिक लिया है, वो भी देखो आप लोग कल का क्लिक। तब तक हम सो के आते हैं। तब तक के आने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा बाल देखो पहले अच्छा था यार, अभी साला ऐसे कट दिया ना पूरा बाल का माँ बहन हो गया। बड़े बाल रखना अच्छे लगते हैं, अगली टाइम से बाल इतना छोटा नहीं कराऊंगा, बड़े रखूंगा। बड़े में मेरे को सूट होते, छोटे में सूट नहीं होते, तो नहीं कटाऊंगा अगली टाइम से। तो अभी जाके मैं सो जाता हूँ, सोने के बाद आप लोग से मिलते हैं। काफी अच्छा हवा आ रहा है और मतलब मस्त पानी भी उड़ रहा है, तो भी अपन इधर से निकालते हैं। एंजॉय ले रहे हैं और अपुन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लिक ले रहे हैं, तो दिखाते हैं आप लोग को ब्लॉग। बिकना है हमारा कपड़ा बहुत कीमती है, हमें बिल्कुल नहीं बिकना है। बाकी लोग को बिकने दो, बिकने दो, कुछ भी करने दो, अपने को नहीं बिकने। बात क्यों से बस में जाने का था, बहुत गर्दी है, बहुत गर्दी है, जगह नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए बस में नहीं गया। दूसरा बस आते हैं, फिर इधर से बस लेकर चले जाते हैं। भाई साहब हाजी, बहुत टाइम रुकने के बाद बस मिला, बस पे बैठा और जा रहा हूँ मेरे एरिया में। तो क्या करेगा, देखो पीछे एक आदमी हाय हेलो कर रहे हैं वीडियो कॉल पे और मेरे जोर जोर से कर रहा था और मेरे तरफ गुड़ कर रहा है, बात कर रहा है गर्लफ्रेंड से और डेना। तो चलो चलते हैं, आप लोग को भी लेके ब्लॉग में बना रहना, देखो पूरा वीडियो। तो अभी बस में बैठ के बक बक नहीं कर सकता, इसलिए बाद में अलग से ओवर प्राइस लगा रहा हूँ। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। हाँ जी, बहुत बरसात हो रहा है, पता नहीं कल मुंबई में ईद है, अपन कहा जा पाएगा कि नहीं। नहीं जा पाया तो फिर समझ लो इसी एड वर्ड करके ब्लॉग बना दूंगा। और क्या से मुंबई में कल ईद है ऐसा बोला, वो समझना कल ईद ही है। और बरसात की वजह से मैं थोड़ा ऐसे कहा, बरसात में कैसे वीडियो बनाऊंगा वो सोच रहा हूँ कि घूमने जा पाऊँगा ना ही कुछ कर पाऊँगा, यही डर लग रहा है यार। दो तीन फोटो क्लिक करूँगा सोच रहा था, वो भी दिखता है ऊपर वाला का हाथ में क्या होता है, देखा जाएगा कल का। कल जी बात किसी से देखो, ईद के नमाज हो गया, खाना भी हो गया, छोके भी उड़ गया, सब कुछ उड़ गया, पर घूमने कहीं गए नहीं। आप भी एक जगह काम था ग्रैंड रोड में, तो ग्रैंड रोड में उतरा स्टेशन इधर था, ट्रेन लेते टाइम भी वीडियो नहीं बनाया, अभी बना रहा हूँ। तो काम निपटा के फिर कहीं घूमने जाऊँगा तो आप लोग को दिखाऊँगा, ब्लॉग में बना देना। आप लोग इतना अपडेट देने का था जो अपडेट दे चुका हूँ। हाँ जी, ये है लिमिटेड रोड। लिमिटेड रोड में लैपटॉप का एक्सेसरीज से लेके जो एक्सेसरीज इलेक्ट्रिसिटी का जितना इलेक्ट्रिक चीज़ आपको चाहिए, स्पीकर लैपटॉप रीडर
अकाउंट्स ये सब सब मिलेगा, मेरा जो काम था वो भी नहीं, मैं भी आ चुका हूँ, तो काम निपटा के फिर आप लोग से मिलते हैं सामान वामान लेके आके। चलो आप लोग भी देखो, सामान भी इतने टाइम से लेके आया मेरे हाथ में है, तो पर मैं सामान वामान नहीं बताया, तो सामान वामान आपको बताओ क्यों क्यों बताओ। तो सामान वामान लेके अभी जाऊँगा और मैंने गाना गा रहा हूँ मेरे एक्स की, मतलब उसकी याद में अभी भी याद करता हूँ। ये गाना था, मैंने रोया उसे ढूंढ ढूंढ के, पूरी टाइम यही गाना गाते गाते आ रहा था, रोया ना था तेरी याद में, लवड़ा गाते गाते आ रहा हूँ अभी भी पूरा पेशन तक मेरे धीरे धीरे फेवरेट गाना बन चुका, तो यही गाना। और इस सिंगर के बारे में पूछो मत, तेरा तो बाद में दिल सुन ली बंगाली में क्या सॉन्ग गाते हैं यार, आई लव दिस सिंगर। तो अभी चर्चगेट स्टेशन भी पूछ चुका हूँ, चर्चगेट स्टेशन गाना सुनते सुनते पूरा पूछते पूछते सिनेमेटी शॉट ले लेंगे, सिनेमेटी शॉट ले लेंगे, इतनी फाड़ा सिनेमेटी शॉट, और क्या बोलूँ आप लोग को क्या कहूँ, इतनी सारी सिनेमेटी शॉट लिया ना, सैड मोमेंट, अभी सैड मोमेंट कर ला हूँ, मुँह हिला के एकदम चुप करके बैठा हूँ, एंड बहुत सारे कुछ भी कर रहा हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। चलो चलते हैं, आलसी हूँ मैं पूछो मत, ये जाके आज दूसरे दिन है, तो ईद के दिन कहीं भी नहीं गया, जो लास्ट आपने देखा मैंने ग्रैंड रोड गया था, उधर से लास्ट आया, फिर उसके बाद कहीं भी नहीं गया, सीधा सो गया, ऐसे सोया दो दिन तक, साला समझ लो वीडियो एंड करने भी भूल गया, सब कुछ भूल गया, वीडियो जो बनाया वो भी कुछ नहीं किया, तो भी एंड करते हैं आज। बनता वो खूबसूरत होने के लिए कुछ भी पहन दो, तुम्हारा शक्ल देख के तो पहनो कुछ भी यार भाई, ये कुछ भी होता है। तो आज भी ऐसे ही चूतियागिरी करूँगा थोड़ा सा, तो ब्लॉग देखते रहना तुम लोग, ठीक है। मेकअप का आर्टिस्ट, मेकअप का दुकान बंद कर पहले, नहीं तो तेरा मेकअप का दुकान पूरा सारा मैं जला दूँगा, समझे क्या करो, कोई मना नहीं है, पर ढंग से करो ना, ये सब क्या है मेकअप का नाम पे चूतियागिरी। जी मैं इतना आलसू पूछो मत, क्योंकि ईद जाके भी हो गया एक हफ्ता, अभी तक वीडियो को एडिट कर रहा हूँ और वीडियो को एंड करने भूल गया था, तो आज वीडियो एंड करने का टाइम मेरा दिमाग खराब होता है, वीडियो बनाने का दिल नहीं करता है। आपको वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक एंड तो दो गाड़ मारो।